मध्य में दंडरुआ धाम के महामंडलेश्वर श्री रामदास जी महाराज और संस्कृतज्ञ व्याकरण के वैदिक परंपरा के सर्वश्रेष्ठ विद्वान श्री चंद्रशेखर जी, मदन मोहन जी, विश्व कुमार नायक जी, सभी विद्वान बैठे हुए हैं। यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, वैसे तो भगवत श्री हनुमान जी का कार्यक्रम है और हनुमान जी का कार्यक्रम कोई भी किया जाए, कभी भी किया जाए, शक्तिवर्धक ही होता है, क्योंकि महावीर की उपासना है और महावीर की उपासना में जो कुछ कृत्य किया जाएगा वो वीर बनने के लिए ही किया जाता है। यहाँ श्री हनुमान जी के परिकर के लिए, परिसर के लिए एक जो ना मार्ग उसका निर्माण हो रहा है, जिसका नाम रखा गया है हनुमान शक्ति परिक्रमा मार्ग। तो हनुमान की शक्ति प्राप्त करने के लिए परिक्रमा का निर्माण किया गया है। ये तो सौदे में सुहागा हो गया, हनुमान जी की आराधना करने से भी शक्ति प्राप्त होगी और हनुमान जी की परिक्रमा करने से भी शक्ति प्राप्त होगी। और परिक्रमा शब्द का आपने अर्थ समझा भी, वैसे क्रमपाद विक्षेपे इस धातु से परितः काम्यते, परितः काम्यते, क्रमम परितः काम्यते, चारों ओर से गतिशीलता जीवन में आना चाहिए, यही प्रदक्षिणा होती है। दक्षिणा और प्रदक्षिणा में यही फर्क है। दक्षिणा सत्य का प्रारंभ करती है और प्रदक्षिणा शक्ति देती है। तो सत्य और शक्ति दोनों का, सत्य दक्षिणा से होता है और प्रदक्षिणा से शक्ति प्राप्त होती है। तो शक्ति और सत्य दोनों के प्रतीक श्री हनुमान जी है। इसलिए हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की परिक्रमा जीवन में सत्य का भी संचार करेगी और शक्ति का भी संचार करेगी। यहाँ जो कुछ कार्य किया जा रहा है, श्री हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की उपासना और उन्हीं के द्वारा हमें संबल प्राप्त हो जाए, हम जिस पथ के लिए प्रदक्षिणावन दे रहे हैं उस पथ के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, यही सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य बनेगा। और पथ कौन सा है, पथ तो बना दिया, लेकिन लक्ष्य कहाँ है, मैं जाना कहाँ है। रास्ता तो है, रास्ते का निर्माण हुआ, पर ये रास्ता कहाँ तक ले जाएगा इसका निश्चय नहीं जीवन में हुआ, तो वो प्रदक्षिणा भी किस काम की है। इसीलिए साहित्यकारों ने, हमारे आचार्यों ने प्रदक्षिणा के विषय में बहुत कुछ लिखा है कि प्रदक्षिणा करने का क्या लाभ होता है। तो प्रदक्षिणा के लिए बताए देते, ज्ञान कान पापा ने जन्मांतर कृतान तान सर्वे विनश्यन्तु तत्प्रण प्रसाद। जन्म जन्मांतरों के पाप की हानि केवल प्रदक्षिणा करने मात्र से हो जाती है। एक एक पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल उस जीव को प्राप्त होता है जो भगवान की, अपने इष्ट की, अपने गुरु की परिक्रमा करता है, बल्कि अपने माता पिता को कंधे के ऊपर बैठा कर तीर्थ यात्रा करने वाले व्यक्ति को भी एक एक पल पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो। इसलिए ये तो हनुमान जी की परिक्रमा है, तो लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करने का। और जिसके पथ प्रदर्शक ऐसी हनुमान जी महाराज, बड़ी कृपा है उनकी कि हमें आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, सबको इस प्रदक्षिणा में प्रसन्नता से प्रवेश कर अपने सतत प्रयत्न से परमात्मा की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। बोलो श्री धनुआ सरकार की जय।